और चौथे नंबर पे एज यूज अब मूव करते हैं हम अपने मेन वीडियो की तरफ और हम ये चारों क्वेश्चन के हम एक एक करके हम इसके आंसर देखेंगे टाइम ड्यूरेशन क्या था जनरेशन एयरक्राफ्ट का तो वो था टू 1960 का ये वो टाइम था जिस टाइम में सेकेंड जनरेशन एयरक्राफ्ट आया और चला भी गया तो दूसरा क्वेश्चन था कि वाई डू वी नीड सेकंड जनरेशन एयरक्राफ्ट हमें सेकेंड जनरेशन एयरक्राफ्ट की हमें ही क्यों पड़ी यानी क्या सिचुएशन या क्या प्रॉब्लम थी फर्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट में

तो उस टाइम एयरक्राफ्ट जो है वो नीचे कुछ साफ देख नहीं सकते थे लेकिन जो नीचे थे वो इजिली देख सकते थे तो वो इजिल काउंटर कर लेते थे उनका और जो एयरक्राफ्ट थे वो काउंटर नहीं कर पाते थे क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि बुलेट कहाँ से आ रही है और लोग कहाँ पे जब कोरियन वॉर चल रहा था टू एक सबसे बड़ा ड्राबैक दिखाई दिया वो ये था कि जो फर्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट थे उनकी जो स्पीड थी वो काफी लो थी लेकिन जो सेकेंड जनरेशन एयरक्राफ्ट थे उनकी स्पीड काफी हाई थी जिसकी वजह से जो उसमें मशीन ग लगी हुई थी वो लो स्पीड पे तो वर्क कर रही थी लेकिन हाई स्पीड पे इफेक्टिव वर्क नहीं कर पा रही थी तो ये उसका कारण था जिसकी वजह से ये फर्स्ट जनरेशन जो एयरक्राफ्ट थी वो फेल हो रही थी तो अब बात करते हैं सेकंड जनरेशन जनरेशन एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट के कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन की फर्स्ट में जब मैंने स्पेसिफिकेशन बताया था तो ये काफी मुश्किल हो गया था स्पेसिफिकेशन उसका एक्यूरेटली बताना हर एक जनरेशन में बहुत सारे एयरक्राफ्ट है और सबके जो स्पेसिफिकेशन है वो अलग अलग है तो मैं क्या कर रहा हूँ इस बार

अगर हम बात करें अब इसके इंजन की तो इसमें लगा हुआ था टर्बोजेट इंजन जो कि 17 स्टेज कंप्रेसर का इंजन था पूरे एयरक्राफ्ट में सिर्फ एक इंजन लगा हुआ था 17 स्टेज का मतलब हुआ कि जो इसमें 17 ब्लेड्स लगी होती हैं लाइन से और एक के बाद जो है एक ब्लेड जो है एयर को कंप्रेस करती जाती है तो उससे क्या होता है कि अगर एक कंप्रेस कर रही है तो दूसरी ब्लेड फिर कंप्रेस कर देगी तीसरी ब्लेड उसको फिर कंप्रेस कर देगी तो जो सेवनटीन कंप्रेस के बाद जो आउटपुट निकलेगा वो एयर बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाती है और आपको पता ही होगा कि अगर कंप्रेस एयर है तो उससे जो परफॉर्मेंस होता है वो बेटर हो जाता है एक बात और है कि जितने भी एयरक्राफ्ट थे जनरेशन के सभी जो है मोस्टली सिंगल सीटर ही थे, क्योंकि जो इंजन थे उस टाइम इतना ज्यादा वो थ्रस्ट नहीं बना पा रहे थे जितना टू सीटर प्लेन के लिए चाहिए और उतना उनका वर्क भी नहीं था सेकेंड सीटर का उतना वर्क भी नहीं पड़ रहा था अब ऐसा तो था नहीं जैसे पबजी में होता है पीछे कोई बोलता है कि हाँ भाई मार 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 उसके पास खुद का सब कुछ नेविगेशन सिस्टम है उसको फायर करना है उसको वहां पे सेकेंड सीटर की जरूरत ही नहीं है अगर सेकंड सीटर लगा भी रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा कि उसके लिए उसके लिए अलग से लोड बढ़ जाएगा जैसे कि उसके सेफ्टी फीचर्स जितने होते हैं वो सारे उसमें डालने पड़ेंगे इजेक्शन सीट जो होती है वो भी उसकी डालनी पड़ेगी ऑक्सीजन मास्क जितनी भी चीजें होती हैं सब कुछ दो बार लगानी पड़ेंगी तो काफी वेट बढ़ जाएगा अगर वेट बढ़ा यानी उसकी जो फ्यूल ले जाने की कैपेसिटी है वो कम करनी पड़ेगी वारहेड जो ले जाने की कैपेसिटी है उसको वो कम करनी पड़ेगी तो उतना वर्थिट नहीं है सेकेंड सीटर डालने के लिए इसीलिए मोस्टली जो एयरक्राफ्ट थे उस टाइम पे वो सिंगल सीटर ही थे तो अब बात करते हैं पर्टिकुलरली स्टार फाइटर के कुछ स्पेसिफिकेशन की तो इसका लेंथ है 54 फीट 8 इंच इसकी हाइट है 13 फीट 5 इंच तो नेक्स्ट है वेट इम्पडिवेट वेट का मतलब कि अगर कोई एयरक्राफ्ट लोडेड नहीं है उस पर कोई भी वेपन नहीं लगे हुए हैं उस पर कुछ भी नहीं लगा हुआ है इसका इम्पोर्टी वेट है 6387.5 केजी मैक्सिमम वेट की बात करें यानी अगर वो फुली लोडेड हो तो इसका जो वेट है वो है 13054 केजी थ्रस्ट थ्रस्ट का मतलब होता है कि एयरक्राफ्ट का इंजन कितना फोर्स जनरेट कर सकता है उसे आगे पुश करने के लिए इसका जो मिनिमम थ्रस्ट है वो है सिक्सटी न्यूटन और इसका जो मैक्सिमम थ्रस्ट हो सकता है वो है एट्टी थाउजेंड वन हंड्रेड न्यूटन क्रूज स्पीड ये मिनिमम स्पीड और मैक्सिमम स्पीड का एक बीच का पॉइंट होता है जहां पे भी सबसे ज्यादा हाई होती है 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 इसका जो क्रूज स्पीड है, वो किलोमीटर है पर हवर अब बात करते हैं मैक्सिमम स्पीड की तो इसका मैक्सिमम स्पीड है टू पॉइंट टू मैक एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो एयरक्राफ्ट है स्टार फाइटर ये पहला एयरक्राफ्ट था जो कि टू मैक के ऊपर स्पीड इसकी गई थी बाकी जितने भी सेकेंड सभी की जो स्पीड है कितनी तेजी से वो क्लाइम कर सकता है कितनी हाइट तक जा सकता है वो है 58,000 एट फिट रेंज रेंज दो टाइप के हो सकते हैं एक बार जब वो फुली लोडेड हो और एक बार जब फुली वो अनलोडेड हो अगर फुली लोडेड है तो इसका जो रेंज है वो है 1609.34 किलोमीटर और अगर ये फुली अनलोडेड है इसका जो रेंज है वो है 3540.557 किलोमीटर तो अब बात करते हैं कुछ वेपन्स के बारे में जो कि सेकेंड जनरेशन एयरक्राफ्ट यूजली कैरी करते थे तो F104 स्टार फाइटर में एक 20 एम का ऑटो कैनन लगा हुआ था जो कि 725 राउंड कैरी कर सकता था और

नेविगेशन की सेकेंड जनरेशन के अब जितने भी नेविगेशन सिस्टम थे वो अब फर्स्ट जनरेशन से काफी इंप्रूव कर चुके थे आपके जो नेविगेशन सिस्टम थे उसमें एयर टू एयर कॉम्पैक्ट के लिए एयर टू एयर नेविगेशन सिस्टम भी आ गया था लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी कि ये विजुअल रेंज तक ही ट्रैक कर सकता है जिसका डे टाइम में तो उतना इफेक्टिव नहीं है क्योंकि आप विजुअल रेंज तक तो आप डे टाइम में देख ही सकते हो लेकिन नाइट टाइम में ये काफी इफेक्टिव था और अगर फॉगी वेदर है ऐसी जगह फाइट हो तो रही है जहाँ पे फॉग मतलब ज्यादा है वहां पे तो वहां पर ज्यादा इफेक्टिव था अब जो है सेकेंड जनरेशन एयरक्राफ्ट में रडार वार्निंग सिस्टम भी लगाए गए थे जो कि इनकमिंग मिसाइल को ट्रैक कर सकते थे ये जो सिस्टम था ये सभी प्लेन में नहीं था सेकेंड जनरेशन में ये जो कुछ मेजर प्लेन थे ये सिस्टम उन्हीं में था जो बाद में आए थे जैसे कि एफ वन जीरो फोर एफ फाइव मिग नाइनटीन और मिग ट्वेंटी वन अब आप सोच रहे जनरेशन एयरक्राफ्ट है तो हम अभी तक इंडियन एयरफोर्स क्यों कर रहे हैं तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा लेकिन उसके बाद में बनाऊंगा एफ वन जीरो फोर स्टार फाइटर में एक सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यह था कि इसका जो विंग था वो इतना थिन था कि वो फ्लैप करता था उड़ते समय एफ वन जीरो फोर का जो शेप था वो कुछ रॉकेट जैसा था तो मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम है प्रीतिश राय और मैं, एक मैं हूं एक रिलेटेड तो अगर आपको ऐसी तो तो बगल में बेल का बटन है वो भी दबा दीजिएगा ताकि ऐसी और वीडियो जो है वो आपको तुरंत ही मिल पाएंगे जैसे मैं अपलोड करूंगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद Myself and I stayed I'm a pretty boss Work all my shit Brian I'm a freak in the sheets But it got close I'm a grab a nice If you want it Best you ever had And give it to you My